प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अपात्र किसानों से होगी रिकवरी। मैनपुरी में 9219 को नोटिस जारी। मुजफ्फरनगर में महापंचायत की तैयारी में जुटी भाकियू, राकेश टिकैत ने की खास अपील। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू बोले, हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों पर करेंगे कार्यवाही। पार्टी की लाइन छोड़ सदन में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाने लगी भाजपा सांसद, हैरान रह गए बीजेपी नेता। बाढ़ से हालात चिंताजनक, खतरे के निशान के करीब, 1 मीटर ऊपर बह रही गंगा और यमुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। जनपद बरेली के कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरी की गई 5 साल की बच्ची को 24 घंटे में सकुशल बरामद करके रिकॉर्ड कायम किया है। 8 अगस्त की रात कोतवाली क्षेत्र के दामोदर पार्क के पास 11 बजे लगभग एक महिला अपनी 5 माह की बच्ची के साथ सो रही थी कि कुछ लोगों ने आकर बच्चे को उठा लिया और लेकर फरार हो गए। महिला ने कोतवाली पुलिस को बच्चा गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने टीम गठित कर दबिश दी और प्रदुम यादव पुत्र प्रताप यादव, रीना यादव पत्नी महावीर यादव को चौराहे से गिरफ्तार कर उनके पास से गायब बच्ची को बरामद किया है। पुलिस टीम में दरोगा प्रवीण कुमार, कांस्टेबल बलवेंद्र, शिवानी रानी और प्रियंका साथ रही। दिनांक 8/8/2021 को रात्रि के लगभग 11 बजे एक तहरीर दिया गया, जिसमें एक वादनी के द्वारा बताया गया कि उनकी 5 महीने की लगभग की बच्ची हैं, उनको चौकी चौराहा के पास में जो दामोदर स्वरूप पार्क है वहां से 2 बाइक अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस संदर्भ में थाना कोतवाली पे 363 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद में बच्ची के सकुशल बरामदगी के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम के सभी सदस्यों ने मिलकर एक काफ़ी ही सराहनीय काम किया है और बच्ची को 24 घंटे के अंदर में सकुशल बरामद कर लिया गया। सर, पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंची, किस तरीके से बच्ची क्यों चुराई गई थी, क्या जो CCTV फुटेज हमें मौके से मिले थे और एक व्यक्ति जो आई विटनेस थे उनके द्वारा कुछ लीड दिए गए थे, उस लीड के आधार पर हमने इस जो अपहरणकर्ता उनके तक हमारे द्वारा पहुंचा गया और वहां से बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। क्या करते ये लोग बच्ची का, क्या पूछताछ में निकल के अभी तक जो हमें जानकारी पूछताछ में जो जानकारी मिली है उसके आधार पे इतनी हम बात बता सकते हैं कि जो ये अपहरण करके ले गए थे इनको किसी थर्ड पार्टी को बच्ची देना था और वो इस बच्ची को कहीं और दे देते, ये अभी तक ये प्रकरण हमें सामने आया। अब हम इसमें ये भी जानकारी करने में लगे हुए हैं कि क्या इनका जनपद के अन्य थानों में भी कहीं इस प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास है बच्ची को खरीद फरोख्त करने में, और जो अगला पार्टी है, जो थर्ड पार्टी है, उसे कौन है और कहां का रहने वाला, इसकी भी हम जानकारी कर रहे हैं ताकि इसमें सारे जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है वो हम एस्टेब्लिश कर सकें और जो भी लोग इस चेन में शामिल है उसको हम कठोर कार्रवाई उसके ऊपर करा सकें। खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। जनपद फिरोजाबाद में थाना शिकोहाबाद के सामने बारिश के कारण आसपास के लोगों को निकलने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला शिकोहाबाद कोतवाली के ठीक सामने का है। अधिकारी वर्ग को अपने आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला शिकोहाबाद विधानसभा का है, जहां के विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा है, ये तो विकास के नाम पर चुप्पी साधे बैठे हैं, जबकि प्रदेश के अंदर नारा भी लगाया जाता है, सबका साथ सबका विकास। अब देखना ये होगा कि विधायक जी का कार्य किस तरीके का होता है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। यहाँ जरा सा पानी भरने पर ही बहुत बरसात होने पर बहुत पानी भर जाता है। किस जगह पर पानी भर जाता है? ये तहसील किराए से लेकर बैंक ऑफ इंडिया तक। अब किस तरह की आप मदद चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कैसे भी इतना पानी ना भरे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बिजनेस का नुकसान होता है और पानी भरने से बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो इससे पहले आपने किसी को अवगत कराया इस मामले को लेकर? यहाँ पर तो सारे अधिकारी लोग ही बैठते हैं, तहसील निबंधक अधिकारी बैठते हैं, अंदर तहसीलदार, सामने थाना है, STM सर भी बैठते हैं सामने, तो सबके संज्ञान में तो होगा। ये 5-6 सालों से समस्या है, आज की समस्या नहीं है। अब क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कैसे भी इसका निदान हो, ये पानी ना भरे, थोड़ा सड़कें ऊंची हो जाएं, नाले बन जाएं।
खबर है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से। जनपद महाराजगंज के फरेंदा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध कांग्रेसियों ने मंगलवार को आनंद नगर में बैलगाड़ी पर सवार होकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद छतरी चौराहे से पूरे नगर में भ्रमण करते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि जब तक आमजन से जुड़ी समस्याओं को दूर नहीं कराया जाएगा तब तक कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की गलत नीतियों से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। केंद्र व प्रदेश की सरकार सभी मुद्दों पर विफल साबित हो रही है। श्री चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। कार्यक्रम के बारे में आप जैसा आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी तख्तियों में नौजवान घूम रहे हैं, लिखा है कानून व्यवस्था ध्वस्त, भाजपा अपने झूठे प्रचार में करमर तोड़। महंगाई है जब से भाजपा आई है, डीजल पेट्रोल और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पे हम लोगों ने आज कम समय के नोटिस में ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे क्षेत्र की जनता के साथ आए और इस बात के साथ आए हैं कि रोजगार दो, रोज नौजवानों को डीजल पेट्रोल का दाम कम करो आने वाले समय में, वरना डाक की गद्दी खाली खाली जाए। आज ज्ञापन देने का प्रोग्राम था तो ऐसा क्या हुआ कि ज्ञापन कैंसिल हो गया? आप जानते हैं कि यह ज्ञापन SDM को पहले से प्रेषित था और वर्तमान SDM इस जनता की हुंकार के सामने, इस जनता की आवाज के सामने, इस जनता की ताकत के सामने डर के भाग गए, इसलिए ज्ञापन हम लोग लेके जा रहे हैं, आपको दे के जा रहे हैं और आप मीडिया के साथी हैं, तो आज आप लोग हमारी पत्रकार साथी हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, हमें आपके यकीन है, हमें आपके भरोसा है कि आप हमारा ये ज्ञापन मीडिया के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी को पहुँचाएंगे। आपकी सरकार आती है तो महंगाई का कुछ किस तरह से? निश्चित रूप से आपको पता होगा कि जब कच्चा तेल का दाम पूरे विश्व में $136 प्रति बैरल था, तब हमारे यहाँ डीजल के दाम मनमोहन सिंह की सरकार में ₹62 डीजल था, बताइए, आप सब जानते हैं। और आज आप सब जानते हैं इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $60 प्रति बैरल है और डीजल का दाम 100 के आसपास है। ये कौन सी मजबूरी है मोदी की, ये कौन सी आर्थिक नीति है केंद्र सरकार की जो आज विश्व बाजार में डीजल का दाम, कच्चे तेल का दाम कम हो रहा है और उत्तर प्रदेश और देश में डीजल पेट्रोल का दाम और रसोई गैस सिलेंडर का दाम बढ़ता जा रहा है, कौन सी नीति है, हम इसी के जवाब में धरना प्रदर्शन करने आए। खबर है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से। जनपद सिद्धार्थ नगर में CJM कोर्ट में कोबरा सांप निकलने पर अफरा तफरी मच गई। सांप की सूचना मिलने पर DFO चंद्रशेखर सिंह ने रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा। प्रभारी वन दरोगा निखिल कुमार श्रीवास्तव ने रेस्क्यू टीम के साथ कोबरा सांप पकड़ लिया। स्नैक कैचिंग स्टिक की मदद से कोबरा सांप को पकड़कर मुख्यालय के पिटनी जंगल में छोड़ा गया। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। जनपद बरेली में भाजपा समर्थक मंच युवा मोर्चा की ओर से एक कोरोना योद्धा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन स्वाले नगर स्थित गैलेक्सी पैलेस में हुआ है। कोरोना में मीडिया, समाज सेवियों, कार्यकर्ताओं एवं जिस किसी ने भी कोरोना में लोगों की किसी भी तरह की सहायता की है उनको ट्रॉफी, मेडल, सॉल व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे नगर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, मीरगंज विधायक DC वर्मा तथा सभी ने मिलकर मीडिया का शुक्रिया अदा किया है। जो कार्यक्रम भाजपा समर्थक मंच कार्यक्रम था ये, जिसमें सभी समुदाय के लोग थे, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के थे और सबका यही कहना था कि मोदी योगी पूरे हिंदुस्तान की सोचते हैं, हर समाज की सोचते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का ख्याल रखते हैं और इनके काल में जो भी चीज़ें मिली वो सबको मिली, शौचालय मिले सबको मिले, मकान मिले सबको मिले, गैस मिली सबको मिली, आयुष्मान कार्ड बने सबके बने, इसके साथ साथ सड़कें बनी सबके लिए बनी, मकान सबको दिए जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ अन्न राशन जो बांटा गया वो सबको दिया गया, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो मैं कहूँ टीका लग रहा है तो वो सभी के लग रहा है। इस योजना के सभी योजनाएं जो हैं वो सभी के लिए हैं और इसलिए भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो पूरे देश की पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी पार्टी है और भाजपा को ही कामयाब बनाना है, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।